इसासनी काटोल में इंडिया रिजर्व बटालियन का काम जल्द शुरू होने जा रहा है, जिसके संदर्भ में आयोजित पत्र परिषद में जिला परिषद सदस्य सलिल देशमुख ने अधिक जानकारी साझा की है। पत्र परिषद में सलिल देशमुख ने जानकारी देते हुए कहा कि काटल और नरखेड तहसील को नई दिशा देते हुए इंडिया रिजर्व बटालियन नंबर 5 को इस क्षेत्र के विधायक अनिल देशमुख ने मंजूरी दी थी। इसके लिए राजस्व विभाग की 100 एकड़ जमीन पुलिस विभाग को सौंप दी गई है, लेकिन उनके मुसीबत भरे समय में आगे का काम रुक गया। बाद में राज्य में तख्ता पलट हो गया और इस बटालियन का सारा निर्माण कार्य रुक गया। भाजपा नेताओं की कोशिश थी कि उन्हें आगे के काम के लिए फंड ना मिले, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई के कारण 900 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 108 करोड़ रुपए की पहली किस्त स्वीकृत हो गई है और वास्तविक काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। या ठिकाणी आज आपलं या पत्रपरिषद नागपूर प्रेस क्लब मध्ये आम्ही राष्ट्रवादी परिवाराकडून आपलं स्वागत करतो। माझ्यासोबत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ग्रामीणचे अध्यक्ष प्रवीणजी कुंटे, शहराचे अध्यक्ष असलेले दुनेश्वरजी पेठे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं प्रतिनिधित्व करून नागपूर जिल्हा परिषदमध्ये उपाध्यक्ष असणारे चंद्रशेखरजी चिखले, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी महिला आघाडी जिल्ह्याचे अध्यक्ष सन्माननीय टालाटोलेताई, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी काटोल तालुक्याचे अध्यक्ष अनुपदादा खराडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी महाराष्ट्राचे कार्याध्यक्ष शैलेंद्रजी तिवारी, बाजार समिती व बेलोना ग्रामपंचायत असेल किंवा सामाजिक कार्यकर्ते सन्माननीय अमूलजी आरघोडे, त्याच पद्धतीनं बाजार समितीचे संचालक सन्माननीय संजयदादा दळवी, या ठिकाणी अनिल बाबूंचे खंदे समर्थक असलेले जाकीर नरखेडचे माजी नगरसेवक जाकीरभाऊ शेख, पंचायत समितीचे सभा पंचायत समितीचे माजी सदस्य शिवाजीदादा देवारे, या ठिकाणी पंचायत समितीचे माजी सभापती उदयदादा ठाकरे मान वाकडी करत किशोर आपला, या ठिकाणी आमचे येरला धोटे चे सरपंच सन्माननीय शिंदेदादा, या ठिकाणी मसलीचे सरपंच सन्माननीय अनुपदादा, त्याच पद्धतीनं बालूभाऊ नासे अनिल बाबू देशमुख यांचे विश्व। इस बटालियन में 326 पद स्वीकृत है, जिनमें मुख्य रूप से कमिश्नर, पुलिस इंस्पेक्टर, सशस्त्र पुलिस, मेडिकल ऑफिसर, ड्राइवर, नर्स, स्वीपर और अन्य पद शामिल है। चूंकि इसासनी SRPF में कोई सुविधा नहीं है, यह बटालियन पिछले 2 साल से कैंप अमरावती में तैनात है। स्वीकृत धनराशि का काम शुरू होने के बाद बटालियन को इसासनी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। चूंकि यह बटालियन काटोल और नरखेड तहसील के बीच स्थित होगी, इससे दोनों तहसील के नागरिकों को लाभ होगा। इससे कई लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। सलिल देशमुख ने कहा कि यह उपलब्ध होगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।